हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। यूनी जॉर्ज का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी गई। एडमिट कार्ड आपको कहाँ से जाकर के आपको चेक करने थे, कहाँ से जाकर के चेक करने के बाद आपको डाउनलोड करनी है एडमिट कार्ड कहाँ से, ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाएगा यूनी जॉर्ज के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी ब्राउज़र से आपको google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है यूनी जॉर्ज 2021 IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको यूनी जॉर्ज के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च पर क्लिक करके सर्च करेंगे और ये फर्स्ट वाले लिंक पे एग्जैक्टली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कर लेते तो एडमिट कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल कर दी गई है, यानी कि रिलीज कर दी गई है। अभी आप उसे डाउनलोड करेंगे, क्यों, अब एज एग्ज़ाम आने वाला है अभी, तो आपको इससे पहले डाउनलोड करके रख लेना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर क्लिक किया टू एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले आप इसे फॉर्म को फिल कर लें, जो सामने आपके फॉर्म है इस फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, स्टेट बता देंगे यहाँ से आप, सिटी बता देंगे कौन से सिटी के रहने वाले हैं, कौन इंटरेस्टेड कोर्स कौन सा आपका, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस कितनी अब तक की, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी होती है। इससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनी जॉर्ज के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो गेट फ्री काउंसलर पर आप जरूर क्लिक कीजिए। अभी हमें एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिए गए 30 अगस्त को। क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है, गेट हियर हॉल टिकट। अभी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है 30 अगस्त को, यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्वेंस नंबर, यहाँ पर यूज़र आईडी टाइप कर लेनी होती है आपको। आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उसे क्या करना होता है, यहाँ पर अपना यूज़र आईडी टाइप कर देनी होती है, पासवर्ड टाइप करनी होती है, फिर आप क्या कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ से। और आपको यहीं से ही करनी होती है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे रखा है, जल्दी से क्लिक कीजिए और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।